हे ऑल हाउ यू डूइंग दिस इज मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द सेक ऑफ मेडिसिन तो आज अपने सिस्टमिक पैथोलॉजी के आई एम पीज की या फिर मस्ट डू टॉपिक्स की बात करेंगे एंड अगेन आई वॉन्ट टू से दिस मे वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज देर इज़ नो तो लाइक स्टेबिलिटी कि हर जगह सेम नहीं होते बट मोस्ट ऑफ दिस टॉपिक्स आर सेम एवरीवेयर ओके और जो भी टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए ना मैंने उस पर स्टार मार्क किया हुआ है कि ये टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है ओके सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट हम ब्लड पैथोलॉजी की बात करेंगे एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर देना देट विल एनकरेज मी टू मेक मोर ऑफ दीज वीडियोज ओके तो अब ब्लड पैथोलॉजी की बात करें तो एनीमिया एज अ फुल क्वेश्चन इस पर स्टार मार्क है इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है देन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हिमोफीलिया ये दोनों क्वेश्चन लाइक शॉर्ट नोट टाइप है ल्यूकेमिया भी नहीं छोड़ना है ल्यूकेमिया पर भी स्टार होना चाहिए आई फो गॉट टू डू दैट ल्यूकेमिया इज ऑल्सो अ मस्ट डू टॉपिक मस्ट डू टॉपिक उसको छोड़ना नहीं है देन हॉचकिंस लिम्फोमा इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ टू बी डन

बैक्टीरियल एंडोकार कार्डाइटिस एंड वेल्व्यूलर डिसीज़ जैसे माइट्रल स्टेनोसिस एयोटिक स्टेनोसिस माइट्रल रीगर्जिटेशन एयोटिक रीगर्जिटेशन दीज ऑल आर फॉर शॉर्ट नोट्स ओके कार्डियोमायोपैथी एंड पेरी कार्डाइटिस इज ऑल्सो टू बी डन जब हम रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें टू क्वेश्चन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सी ओ पी डी एंड नमोनिया इफ यू डोंट नो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के ये जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर उन सारे टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इसमें uh, ये सारे टॉपिक्स पर स्टार मार्क करने की ज़रूरत है बिकॉज दीज ऑल टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट ठीक है निमोनिया उसमें जैसे लोबर निमोनिया मैंने लास्ट में अलग से लिखा है सो दैट कैन बी आज एज ए शॉर्ट नोट या फाइव मार्क क्वेश्चन इसीलिए अलग से लिखा हुआ है एंड दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू सी में हम न, हमारे जो चार टॉपिक्स है दैट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एम्फीसेमा अस्थमा ब्रोंकिटिस दे ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट जब हम जी आई टी पैथोलॉजी की बात करते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने नहीं हैं तो गैस्ट्राइटिस पैप्टिक कल्सर और आई बी डी आई बी डी और इस्टीमिक बॉबल डिसीज़ दोनों में कन्फ्यूज मत होना आई बी डी मतलब इन्फ्लामेटरी बॉबल डिसीज़ होता है जिसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज़ इंक्लूड होते हैं वो दोनों भी एज अ इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बट एज अ आई बी डी भी वो एज अ फुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा करना है और स्टीमिक बॉवल डिसीज़ जो म्यूरल इन्फाक ट्रांसम्यूरल इन्फाक वो भी करना है एक्चुअली सी करने सारे टॉपिक्स होते हैं एट फर्स्ट रीड आपको सारे टॉपिक्स करने हैं बट जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें ना तब हमें आई एम पी क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना रहता है इसके लिए ये वीडियो इतनी अच्छी चल रही है क्योंकि लोग अब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुके हैं सो so, आगे अपने प्रोसीड करते हैं तो अब हम बिलियरी डिसीजेस नॉट बिलियरी डिसीज बिलियरी ट्रैक्ट की बात करते हैं लीवर बिलियरी ट्रैक्ट एंड एक्जोक्राइन पेनक्रिया ठीक है तो उसमें मस्ट डू टॉपिक्स मतलब इंपॉर्टेंट जो छोड़ने नहीं है वो क्या है एल एफ टी एल एफ टी स्टैंड फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट जॉन्डिस तो करना ही है वायरल हेपेटाइटिस और सिरोसिस आर इंपॉर्टेंट वंस गॉल स्टोन्स कॉलेसिसटाइटिस एंड पेनक्रियाटिस आर ऑल्सो टू बी डन तो चलो अब कुछ रीनल की बात कर लेते हैं सो फर्स्ट इज आर एफ टी दैट इज़ रीनल फंक्शन टेस्ट और रीनल फेलियर दैट इज़ अक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर ये दोनों बहुत ही गजब क्वेश्चन है ये करने ही है देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसमें काफ़ी सारे टाइप्स है लेकिन वी हैव टू फोकस मेनली ऑन क्रॉनिक एंड अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड एक एक दो और उसमें टाइप्स है लाइक मेम्ब्रेनो मेम्रेनोप्रोलिफ्रेटिव और ये सब की मीनिंग भी पता होनी चाहिए डायबिटिक नेफ्रोपैथी ए मतलब कि अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस पाइलोनेफ्राइटिस एंड नेफ्रोलिथियासिस ये सारे क्वेश्चन भी करने जैसे हैं मेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो इसमें प्रोस्टेटाइटिस और बीपीएच बीपीएच मतलब बेनाम प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया या फिर नोड्यूलर हाइपर ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं फीमेल की बात करें तो सी आई एन या एस आई एल दैट इज सर्वाइकल इंटरापिथीलियल न्योप्लेशिया या फिर स्क्वामस इंटरापिथीलियल लीजन दिस इज़ टू बी डन लियोमायोमा जिससे हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बोलते हैं वो भी करना रहता है प्लस एक चीज़ और है ब्रेस्ट कैंसर मैंने इसको अलग से लिखा है ये फीमेल जेनाइटल में इन्वॉल्व नहीं होता है जेनाइटल में तो पता ही है ना ब्रेस्ट कैंसर कैसे उसमें आएगा मतलब ब्रेस्ट कैंसर उसमें कैसे आएगा तो इसको मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज इफ़ यू आर फ्रॉम एम बी बी एस सेकेंड प्रॉफ देन ब्रेस्ट कैंसर इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इफ यू आर फ्रॉम अदर स्ट्रीम लाइक होम्योपैथी और समथिंग लाइक दैट तो ब्रेस्ट कैंसर वाला क्वेश्चन जो है ये जो पार्ट है उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं ठीक है तो अब एंडोक्राइन की बात करते हैं तो इसमें कुशिंग सिंड्रोम हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस ग्रेव्स डिसीज़ एंड डायबिटीज़ मलाइटिस करना रहता है डायबिटीज़ मलाइटिस एक बहुत ही धासु क्वेश्चन है लाइक इतना इंपॉर्टेंट है आई कैन नॉट जितना इस पर प्रेशर दूँ उतना ज़्यादा कम है डायबिटीज़ मेलाइटिस बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मस्कुलो स्केटल सिस्टम में से ऑस्टियो आर्थराइटिस और रिमेटोइड आर्थराइटिस करना रहता है मेन uh, एक चीज़ है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं वो थोड़ा सा समझ लेना चाहिए तभी दोनों टॉपिक समझ में आएंगे प्लस इसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और ये सब वो भी कर सकते हो बट एग्ज़ाम पॉइंट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो ऑस्टिओ आर्थराइटिस और रिमैइटेड अर्थराइटिस बहुत हो गया लास्टली हम सी एन एस की बात करते हैं तो सी एन एस में एक uh, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है एनसेफेलाइटिस पार्किसन डिसीज और हाइड्रोसिफिलस भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आई मीन सी के uh, हर एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऐसा अच्छा होगी कि और करे और करे बट ये सारे जो है ना इतने चार ये इंपॉर्टेंट हैं ये सो दैट्स दी एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और अगर वीडियो लाइक नहीं की हो अभी तक पूरा देख लिया तो लाइक कर देना और जो भी अपना ओपिनियन हो वीडियो के बारे में उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना क्योंकि ऐसे न्यू न्यू वीडियोज़ ना एवरी वीक आएंगे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग काम के वीडियोज़ ठीक है और लेक्चर वाले वीडियोज़ तो ही रहे इंपॉर्टेंट वाले वीडियोज़ भी आते रहेंगे ठीक है तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा या फीड पर दिख जाएगी तो क्या ही चला जाएगा ठीक है So thank you for watching.